रविवार को महाराणा प्रताप की प्रतिमा का अनावरण राजपूताना भवन ग्राम मायापुर मंगरोला में समारोह पूर्वक हुआ। इसके पूर्व राजपूत विकास कल्याण राष्ट्रीय समिति के तत्वावधान में भव्य वाहन रैली और शोभा यात्रा भी निकाली गई, जिसका जगह जगह स्वागत किया गया। ग्राम मायापुर में राजपूताना भवन में महाराणा प्रताप प्रतिमा अनावरण कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री इंदर सिंह परमार विशेष अतिथि, काला पीपल विधायक कुणाल चौधरी मंचा सीन रहे। प्रतिमा अनावरण कार्यक्रम में पूर्व कान्हा वृंदावन गार्डन मंडी इलाके से प्रारंभ होकर वाहन रैली और शोभा यात्रा नगर के प्रमुख मार्गों से होकर आयोजन स्थल पर पहुंची। कार्यक्रम के दौरान स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री इंदर सिंह परमार ने विधायक निधि से 13 लाख की लागत से होने वाले निर्माण कार्य का लोकार्पण भी किया। संबोधित करते हुए मंत्री परमार ने कहा कि मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने महापुरुषों के शौर्य वर्णन को पाठ्यक्रम में शामिल करने के साथ ही इतिहास में वर्णित विसंगति पूर्ण जानकारियों को हटाते हुए सही इतिहास की जानकारी को बच्चों तक पहुंचाने का काम किया है। उन्होंने कहा कि सिकंदर को अब तक महान बताया जाता था, लेकिन सिकंदर वास्तव में महान नहीं पराजित था। सुजालपुर से ब्रज राठौड़ की रिपोर्ट। निश्चित रूप से इस ऐतिहासिक क्षण के हम आपसे मिलने जा रहे हैं महान योद्धा क्षत्रिय शिरोमणि हिंदू अजूराज महाराणा प्रताप की भव्य प्रतिमा का अनावरण किया जाए। एक बार दोनों हाथ उठाकर महाराणा प्रताप की चढ़ से तक तलवार उठा, चढ़ से तक तलवार उठा, रखता था भूषण पानी को, काट काट करता था सफल जवानी को, चेतक पर सवार वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की प्रतिमा का दिव्य एवं भव्य अनावरण हुआ है। अब मेरा समिति के आह्वान कर्तव्य निष्ठ अध्यक्ष का स्वागत वंदन अभिनंदन करे सम्मान्य जान सिंह जी। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।